अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट के एग्जामिनेशन डेट की बात करेंगे। हमने एक बड़े यूट्यूब चैनल से बात की है और उनका क्या जवाब रहा है और उन्होंने जो एग्जाम की एक डेट है वो क्या बताई है, इस वीडियो में हम आपको तफसील से इसकी मालूमात देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ किसी भी शैक्षणिक अपडेट के लिए। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कल हमने एक रात में एक वीडियो जो है वो डाला था सीटेट के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, लेकिन अभी वीडियो बच्चों ने शायद सुबह में देखे होंगे। और वीडियो देखते देखते क्या हुआ कि मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर थे महाराष्ट्र में जितनी भी जगह ओपन हुई थी वो सारी की सारी जगह जो है वो सुबह सुबह होते तक खत्म हो गई थी। इनफैक्ट जो रात में 11 बजे के करीब करीब मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए कि मतलब जो जगह हमने बताई थी वो जगह जो है रात में 11 बजे तक ही जो है वो खत्म हो चुकी थी, मतलब सेंटर फुल हो गए थे। अब 50-50 और 60-60 जगह अगर बढ़ाई जाएंगी तो वो जस्ट जो है आधे आधे घंटे में 15-15 मिनट में ये जगह खत्म होती है। खैर उसके बाद जो है मतलब अब जगह सीटें बढ़ाई जाएंगी या नहीं बढ़ाई जाएंगी इसके बारे में कोई मालूमात अभी फिलहाल तो नहीं है और कोई अहम जानकारी हमारे पास अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम कब से होंगी। तो हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल से बात हुई है सीटेट के, जो सीटेट की सारी चीजें को कवर करता है, और उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर के मिड से जो है मतलब आधे दिसंबर से जो है सीटेट की एग्जाम शुरू हो सकती है। तो इसकी जो डेट है एक्सपेक्टेड डेट जो है आप ऐसा समझ के चलिए कि 20 दिसंबर के करीब करीब से जो है सीटेट के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और वो करीब करीब एक महीना चलेंगे। अगर 20 दिसंबर से भी सीटेट के एग्जाम शुरू होते तो आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ जो है वक्त बचता है एक महीने का, करीब करीब एक महीने का वक्त बचता है। बिकॉज अभी जो है आज आप देख रहे हैं कि 23 नवंबर है तो आपके पास एक महीने से भी कम का वक्त अब जो है वो बचता है एग्जाम के लिए। और एग्जाम देने से पहले पहले आपके जो हॉल टिकट है, आपके हॉल टिकट जो है वो 10 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। अगर 20 तारीख से एग्जाम होते हैं और दिसंबर में तो एग्जाम होना ही है तो डेफिनेटली 20 से 22 हो सकते हैं या 20 से 18 हो सकते हैं, लेकिन इसी दरमियान आपके जो है सीटेट की एग्जाम होने वाली है। तो और रही सेंटर की बात, सेंटर बढ़कर आएंगे या नहीं बढ़कर आएंगे 25 तारीख के बाद जो है हम आगे की मालूमात आपको देंगे कि क्या होंगे, क्योंकि 25 तारीख को जो है लास्ट डेट है, उसके बाद डेट बढ़ती है क्या, कुछ इंक्रीज होता है या फिर फीस के बाद में क्या चीजें निकल कर आती है, वो तमाम चीजें जो है हम आपको ये होने के बाद ही बता सकते हैं कि सेंटर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। और कुछ लोगों ने इंदौर, कुछ लोगों ने भोपाल, कुछ लोगों ने जगह जगह पर जो है मतलब यहां तक के लोग कर्नाटक तक भी चले गए, तो जगह जगह पर जो है सीटेट के फॉर्म भरकर रखे और वो कह रहे कि अगर महाराष्ट्र में सीटें अवेलेबल है तो हम अपना सेंटर चेंज कर सकते। तो फिलहाल आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक एडिट का ऑप्शन उसमें नहीं आता है, आप किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस एक बार फॉर्म भरने के बाद नहीं कर सकते। और अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है, ये बात याद रखिए, अगर आपने सीटेट का एक बार फॉर्म भर दिया तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, बिकॉज आपका जो डेटा है वो मैच हो जाता है, इस वजह से आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। याद रखिए कि सीटेट का फॉर्म आपने एक ही बार भरना है और अगर आप दोबारा उसी ईमेल आईडी से और उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जो फॉर्म है दोबारा नहीं भरा जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जो है वो 20 तारीख से हो सकती है, 20 तारीख के 2 दिन बाद भी हो सकती है, 20 तारीख के 2 दिन पहले भी हो सकती है, मतलब आपके पास अब जो है थोड़ा सा वक्त बचा है, अब आपको इस वक्त में क्या करना है वो आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर आप हमारे दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सीटेट और टेट एग्जाम के लिए, मीन्स शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाशनी एग्जाम के लिए जो एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें आपको सीटेट की पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट की और टेट के जो है बुद्धिमत्ता और मराठी व्याकरण के जो है तमाम वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। उसके लिंक जो हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप वहां से जो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर नोटिफिकेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।